हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी हेल्दी हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स एग्जाम के बारे में और इसके एडमिट कार्ड के बारे में। एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के एडमिट कार्ड के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताने वाली हूँ। सो गाइज, इसके एडमिट कार्ड के बारे में डिटेल से जानने के लिए आपको ताजाभर्ती.com वेबसाइट पर विजिट करना है। इस वेबसाइट पर आपको इसके एडमिट कार्ड या अन्य जॉब्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त होती रहेगी, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सो गाइज, नेशनल हेल्थ मिशन एमपी मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा यह एग्ज़ाम आयोजित करवाई जाएगी। इसमें टोटल 1222 पद हैं। स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम 3 अगस्त 2022 को कंडक्ट करवाई जाएगी और फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम 4 अगस्त को कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इसके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, यानी कि इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो एग्ज़ाम से लगभग 6 दिन पूर्व जारी किए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। इनके एडमिट कार्ड आज या कल में कभी भी किसी भी वक्त जारी हो सकते हैं, यानी 28 या 29 जुलाई को स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के एडमिट कार्ड कभी भी किसी भी वक्त आपको देखने को मिल सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए आप बार बार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें, या फिर जैसे ही एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे इस लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, यहाँ से भी आप अपना एडमिट कार्ड है वो आसानी से निकाल पाएंगे। सो गाइज, ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।